राम मंदिर है बीजेपी का राजनीतिक पासा। प्रभु राम को इस्तेमाल करो हमारे चुनाव में तकदीर उजाला करने के। राम लल्ला किसी के बाप की प्रॉपर्टी है, मालिकाना हक है क्या तुम्हारा राम पे? What is happening in this inauguration ceremony is that it has been converted into a state sponsored event with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people. 500 साल पहले से चला आ रहा राम जन्मभूमि आंदोलन 2019 में खत्म हुआ। As a curious youth, मैंने राम जन्मभूमि के पीछे के political agenda को जानने की कोशिश की, जिससे मुझे पता चला कि कैसे कांग्रेस, जो लोगों को बीजेपी के अगेंस्ट मिसलीड कर रही है कि राम मंदिर तो बीजेपी का सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वही राम मंदिर जिसके कार सेवकों पर फायरिंग करने की रिटन परमिशन को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने मना कर दिया था और अपनी सरकार त्याग दी थी, जिसकी वजह से 3 अलग राज्यों की बनी बनाई सरकार गिर गई। आज मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हाँ, गोली चलाने के अलावा जितने भी उपाय योजना हो सकती हैं, सब कारगर उपाय हो सकते हैं, वो सब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सारे किए जा रहे हैं। ये मैं 1 बजे करीब उनको बता दूंगा। मैंने अपनी रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद मुझे बीजेपी का नहीं बल्कि ऑपोजिशन का दोगलापन नजर आ रहा, और उसके बाद भी अगर आपको राम मंदिर के पीछे बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा नजर आ रहा है तो आप जरूर कीजिए अपनी रिसर्च और हमारे साथ कमेंट्स में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आखिरकार राम तो सभी के हैं।